नमस्कार ओडिशा प्राइम बुलेटिन को स्वागत करुछि मु बापी खबर आरंभ करबा टॉप हेडलाइंस रु सरिला बहु कल्पना जल्पनार अंत हाथ छाड़ी शंखरे जोग देले नव एने विधिवत भावे घोषणा परे देले इस्तफा बाकु प्रेम निवेदन करी विफल प्रेमिकर उन्नत कांड पथर रे छेची सात वर्ष शिशु को कले हत्या जरापर पुलिस आगे सत मानिला अभियुक्त आसला कालिया योजनार नुआ तथ्य कालिया योजना पई आवेदन कले 60 लक्ष आसंता 21-22 रे पाइब चूड़ांत तालिका ओटीटी प्रश्नपत्र लीक मामला सोशल मीडिया रे प्रश्नपत्र वायरल प्रश्नपत्र लीक परे बातिल हला ओटीटी एग्जाम मयूरभंज जिला रे लज्जा 6 वर्षर नाबालिका को दुष्कर्म अभियोग चॉकलेट देवा बाहन रे नाबालिका को डाकी नहीं पाख जंगल रे दुष्कर्म करितला अभियुक्त एबे संपूर्ण खबर खबर आरंभ करबा बड़ खबर रु शेषरे सब कल्पना जल्पना रे अंत घटी कांग्रेस रु इस्तफा देइछंती झारसुगुड़ा विधायक नवदास से पीसीसी रो कार्यकारी सभापति और दल प्राथमिक सदस्य पदर इस्तफा देइछंती से तांको इस्तफा पत्र कांग्रेस सभापति राहुल गांधी को निकट को पठाई देइछंती से बीजेडी रे जोग देबे बोली तांको इस्तफा पत्र रे उल्लेख रहिछि से बीजेडी रु प्रार्थी होंतु बोली अंचलवासी चाहुथवा से उल्लेख करिछंती नव लेखिछंती मो अंचलर लोके चाहुछंती मु 2019 निर्वाचन बीजेडी रु लढे कारण से माने अंचलर विकास चाहुछंती मु बीजेडी रे जोग दिए बोली से माने चाहुछंती मो लोकक मूल्यवान परामर्श संपर्क रे मु मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को आसंता 24 तारिख रे जणाइबी जते बेले से झारसुगुड़ा आसिबे आज ओटीटी परीक्षा बातिल करा दिछि प्रश्नपत्र लीक पई परीक्षा बातिल होईछि आज ओटीटी रो दुईटी सेटिंग परीक्षा थिला सकाळ 10:30 रे प्रथम सेटिंग परीक्षा आरंभ होबारे किछि समय पर प्रश्नपत्र लीक होइथिबा जणा पडिथिला सोशल मीडिया रे प्रश्नपत्र घुरी बुलिबा परे ए विषय रे जणा पडिथिला प्रथम सेटिंग परीक्षा सरिबा परे ओ लीक प्रश्नपत्र जांच करबा परे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पक्षरु परीक्षा बातिल नै घोषणा करा दिछि आज दुईटी सेटिंग परीक्षा को बातिल करा दिछि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सभापति जहानरा बेगम ए संपर्क रे सूचना दे कहिछंती जे ए घटना अत्यंत दुर्भाग्यजनक आउ थरे ओटीटी परीक्षा करा जिवो तबे केबे परीक्षा हेबो से नै परवर्ती समय रे घोषणा करा जिवो बोली से कहिछंती आज प्रथम सेटिंग परीक्षा सकाळ 10:30 रु आरंभ होई 12:30 पर्यंत चलिथिला द्वितीय सेटिंग परीक्षा अपराह्न 2:30 रु 4:30 पर्यंत हेबार थिला एथर 1,12,000 पिला ओटीटी देबा पई आवेदन करथिले केन्द्रापड़ा जिला निकिराई चारिगण जगन्नाथ उच्च प्राथमिक विद्यालय रे देखा दिछि अनियमितता स्कूल कमिटी मेंबर यार प्रतिबाद करिबारु स्कूल शिक्षक माड़ मारिथिबा अभियोग होइछि आ अभियोग पई प्रशासनिक अधिकारी पात्र अंतर करथिबा अभियोग होइछि देखिबा रिपोर्ट रु केन्द्रापड़ा जिला निकिराई थाना चारिगा जगन्नाथ उच्च प्राथमिक विद्यालय रे स्कूल कमिटी चलिथिबा बेले कमिटी मेंबर अंतर्जमी महाती स्कूल मध्यान भोजन ठीक भावे नहबा और स्कूल को आसीथिबा छात्र छात्री मानक पई ड्रेस स्कूल रे थिबा कचित टंकार हिसाब मागिबारु प्रधान शिक्षकक इंगितिरे संगीत शिक्षक एथिरे उत्त्यक्त होई अंतर्जमी को माड़ मारिथिले से तले पड़ी चित्कार करिबारु तांको झिअ तृप्तिमय महाती दौड़ी दौड़ी जाई घरे खबर देथिले खबर पाई अंतर्जमी को पत्नी और बो यार प्रतिवाद करिबारु अंतर्जमी को पत्नी सुचिस्मिता को संगीत शिक्षक माड़ मारिथिले आउ एथिरे सुचिस्मिता आहत होइछंती याकु नै अंतर्जमी निकिराई थाना रे लिखित अभियोग करिछंती तबे अभियोग पाई पुलिस पात्र अंतर करिछि बोली अंतर्जमी अभियोग करिछंती आम चारिगा जगन्नाथ यूपी स्कूल जड़े छात्र अभिभावक भाव में मुझे कमिटर मेम्बर अच्छी एवं अच्छी से स्कूल जी चार्ज अच्छा हेडमास्टर प्रफुल्ल राउत से बारंबार स्कूल सब दुर्नीति कर चलते मध्यान भोजन से जो पिला जो ड्रेस फ्रेस सब दिहर से सब दुर्नीति कर चलते मध्यान भोजन को ठीक भाव कर तांको सहित जने मृत्युंजय पंडा बोल कि जने संगीत टीचर आसिक जोग दे दीजन जाक मिसिकी से जहाँ करुले कमिटी बाला किसी कौन मुझे बाबद बारंबार प्रतिवाद करे से मो कथा को सब बड़े कौन करती ना आभेड करती मो पर राग रखी विभिन्न प्रकार कथा लोक मान मो विरुद्ध कहती से दिन मीटिंग थला मीटिंग रे मु जाई कि सेई बाबद रे आलोचना कला बेले से योजनाबद्धमूलक भाव थिले मते से जो पंडा सर जे संगीत टीचर अछंती तांको लगे कि मते सेई मीटिंग हॉल भितरे मते आगे प्रथम चेयर रे गोटे पहार पके कि तापर मते घोसारी कि मते मारले मु जने शारीरिक अक्षम जोगु तांको सहित मु किसी प्रतिवाद करि पारलिनि ते ए खबर पाई मो आमो घरे
ମୋ ବୋଉ ଏବଂ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ହାତଟାକୁ ମୋଡ଼ିକି ସେ ପଣ୍ଡା ସାର୍ ଯିଏ ହାତଟାକୁ ମୋଡ଼ିକି ତାକୁ ଜଖମ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମାରୁଛ ଭଲ ଭାବରେ ମାରିକି ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ତା ସ୍ୱାମୀ ତ ମାଡ଼ ଖାଇଗଲା, ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ମାରିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ଏ ଆପରେ ମୁଁ ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି ଏବଂ ତାପରେ ଯାଇକି ଆମ ନିକିରେ ଥାନାରେ ଯାଇକି ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛି। ସେ ତିନି ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଏଫଆଇଆର, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନି ମୋତେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ତା ବାବଦରେ କିଛି ମୋତେ କହିନାହାନ୍ତି। ଦାବି ରଖିବି ଏଇଆ କି ମୁଁ ଏ ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ବାବଦରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଉଠାଇଥିଲି, ମୋତେ ଯେଉଁ ମାରିଛନ୍ତି, ସେ ବାବଦରେ ଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହୁଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ମୁଁ ଜଣେ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ଭାବରେ ମୋତେ ଏଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରାଯାଉ ଏବଂ ମୋର ସୁରକ୍ଷା ମୋତେ ଦିଆଯାଉ। ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଘୋ ଘାସ ଶୁଭିଲା, ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ପଣ୍ଡା ସାର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାର ଘୋଷାରିକି ମାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିକି ମୋ ବୋଉକୁ ଆଉ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିଲା ବେଳକୁ ମୋ ବୋଉ ମାଆ ଗଲେ ଯାଇକି ଯେମିତି ଦେଖିଦିଅନ୍ତି, ମୋ ବୋଉ ଯାଇକି କହିବାରୁ ମୋ ବୋଉକୁ ମାରିଛନ୍ତି ଆଉ ତା ଚୁଟି ଘୋଷାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଝିଅ ଆସିକି ଡାକିଲା ଯେ ମୋ ବାପାକୁ ମାରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି, ମୁଁ ଏଠି ଦୌଡ଼ିକି ଯିବାରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇକି ମାରୁଥିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାର। ମୁଁ ଯେମିତି ଯାଇକି ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାର, ପଣ୍ଡା ସାର, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମୋତେ ଚୁଟି ଘୋଷାରି ମୋ ହାତକୁ ମୋଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ମିଟିଂ ଥିଲା, ପୁଅ ଘରେ ଥିଲା, ତାକୁ ଫୋନ୍ କରିକି ଡକେଇଲେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଫୋନ୍ କରି ଥରେ ଡାକିଲା, ଆଉ ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଫୋନ୍ କଲା। ସେଠୁ କହିଲା ମୁଁ ଖାଇସାରିକି ଯାଉଛି, ସେଠୁ ଖାଇସାରିକି ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା। ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମିଟିଂ ଭିତରେ ସବୁ ମେମ୍ବରମାନେ ଆଉ ସେକ୍ରେଟେରୀ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ତା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ପଣ୍ଡା ସାର୍ ଥିଲେ। ତାର କ'ଣ କଥା ଆଲୋଚନା ତା ଭିତରେ କିନା ହେଇଛି, ହେଲା ଭିତରେ କିନା ତାକୁ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ଚିଆରରେ ପାହାରେ ପିଟିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ପାହାରେ ପିଟିକି କ'ଣ ପଛୁଆ ପେଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ତଳେ ପଡ଼ିଛି ଚିଆର ସହ ଘୋଷାରି ହେଇକିନା। ତେବେ ଅନ୍ତର୍ଜାମି ସ୍କୁଲ କମିଟିର ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମେମ୍ବର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଏପରି ମାଡ଼ ମାରିବାକୁ ନେଇ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ କମିଟି ମେମ୍ବର ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ତା ସହ ଅନ୍ତର୍ଜାମିକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସରକାରଙ୍କ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁରେ କେତେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଏହା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଏଭଳି ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୁଲିସ ପାତର ଅନ୍ତର ନୀତିକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। 7 ତାରିଖରେ ଆମର ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା, ସ୍କୁଲ ମିଟିଂ। ସେଦିନ ମିଟିଂରେ ସବୁ ପୂର୍ବ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା, ପୂର୍ବ କଥା ଆଲୋଚନା ହଉ ହଉ ସେଠୁ ସେ ସାର୍ ପଛରେ ବସିଥିଲେ, ପଣ୍ଡା ସାର୍, ସେ ଉଠିକି ଆସିଲେ। ବସିକି ଆସିବା ଭିତରେ ଏ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ସାର୍, ସେ ସେଇ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଲାଗିଗଲା ଯୁକ୍ତିତର୍କ, ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଲାଗୁ ଲାଗୁ ସେ ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ କଲର୍ ଧରିକି ପେଲି ଦେଲେ। ପେଲି ଦେବା ପରେ ଫେର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସାର୍ ଉଠିପାରିଲେନି ଛୋଟା ଲୋକ। ତାପରେ ସେମାନେ ସେଉ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଛନ୍ତି, ଇଏ ସେଠୁ ନେଇ ଚେୟାରଟା ଥିଲା ସେ ସାମ୍ନାରେ, ଚେୟାରଟା ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ସମୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ମାଡ଼ଗୋଳ ପାଟିଗୋଳ ହେଲା ହେଲା ଭିତରେ ସବୁ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଇଲେ, ପବ୍ଲିକ ଲୋକ ବି ଯାଇ ବହୁତ ପହଞ୍ଚିଲେ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ କଥା। ପରିଚାଳନା କମିଟି ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇକରି ହାତ ଗଲେଇ କିମ୍ବା ଉତ୍କୃତ ହେବାରୁ ଚେୟାରରୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ସେ ମିଛରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ମାରିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଦୈତାରୀ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଖବରକୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ 7 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ଅପହରଣ ପରେ ହତ୍ୟା ଘଟଣା। ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାମୁଁ ଛାତ୍ରକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ଶିଶୁର ମାଆକୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିବା ପରେ ବିଫଳ ହେବାରୁ ଶିଶୁକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଗୋଷାଣୀ ନୂଆଗାଁ ଥାନା ପୋଲିସ ଏତଲା ପାଇବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିବେ ପଚରାଉଚରା କରିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋଷାଣୀ ନୂଆଗାଁ ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ସଦାନନ୍ଦ ବିହାର ସପ୍ତମ ଲେନ୍ରେ ଜଣେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଅପହରଣ ପରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକୁ ପୋଲିସ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପରେ ଥାନା ପାଣି ଅଟକ ରଖି କ୍ରମାଗତ ଜେରା ଚାଲିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହତ୍ୟାର ପଛର କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ନେଇ ପୋଲିସ ଖୋଳତାଡ଼ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି ପିନାକ ମିଶ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାକ୍ରମେ ଦୁଇଜଣ ଏସ୍ପି ଶାନ୍ତନୁ ଦାସ, ପ୍ରଭାତ ରାଉତରାୟ ଏବଂ ଗୋଷାଣୀ ନୂଆଗାଁ ଥାନା ଆଇଆଇସି କୁଳମଣି ସେଠୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ଗତ January 12 ସଦାନନ୍ଦ ବିହାର ସପ୍ତମ ଲେନ୍ରେ ଭଡ଼ା କରି ରହି ଆସୁଥିବା ନିରୁପମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର 7 ବର୍ଷର ପୁଅ ଅଂଶୁମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାମୁଁ ଦେବାଶିଷ ପଣ୍ଡା ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବା ଲାଗି ନେଇଥିଲେ। ହେଲେ ବିଳମ୍ବିତ ସମୟ ଯାଏଁ ଅଂଶୁମାନ କିମ୍ବା ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନେଇଥିବା ଦେବାଶିଷଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ନ ମିଳିବାରୁ ଗୋଷାଣୀ ନୂଆଗାଁ ଥାନାକୁ ଯାଇ ନିରୁପମା ଇତଲା ଦେଇଥିଲେ।
केस नंबर 3/19 रे पुलिस एक अपहरण मामला रुजु कर तदंत चला। सोमवार छत्रपुर निकटर अंशुमान विद्यालय परिचय पत्र और हलदिया पदर ब्रिज निकटर एक स्कूटी और रक्तभिजा सार्ट को पुलिस जबत कर। रक्तभिजा सार्ट को देखी अंशुमान को हत्या कर पुलिस अनुमान कर तदंतर विभिन्न दिग्क बढ़ाई। स्वतंत्र टीम मध्यम अभियुक्त को पुलिस काबू कर बेले माराथन जेरा चलता पुलिस पक्ष जना। तेज युवक जनक हत्यास्थल और हत्या पर शव क्यों लुचा रही जाना हत्यार व्यवहृत अस्त्रशस्त्र जबत कर। अनुगुल जिला पाललहड़ार खमार रेंज निकट माखड़ छुआ पाखु ब्राह्मणी नदीकूल एक बाघर मृतदेह उद्धार कर कलरपथी बाघ बोली जमापड़ी। आज सका गांव कि लोके शौच करने को नदी पाखक जाते से समय से बाघटी पा भाषुवा देखा पाई देखी लोके वन विभाग को खबर देते। बाघर मृत्युर कारण एपर्तंत जमापड़ी ना। तेरे बाघटी पा के भासी आसी अनुमान कर। बलांगीर ठारे अनुष्ठित चतुर्दश बहिहाट उद्यापित हो जाए। बलांगीर विधायक नरसिंह मिश्र मुख्य अतिथि भाव जोगदे भाषा माध्यम एकता सृष्टि करा मतव्यक्त करने इतिहास रुचि देखा मतव्य देते। स्थानीय कोशलकला मंडप ठारे गत 10 दिन आयोजन होता यह बहिहाट में गत वर्ष तुलन में यह वर्ष लोकों गहली बेस जमुवा देखा मिलता। तासह बही विक्रेता मैंने भी बेस खुशी जाहिर करते। मनोरंजन सह खाइबा पीवा और खाइबा पीबार मजा उठेबा सह उपयुक्त मानर बही किनि लोके सांगरे नै जाउथवा देखा मिलता। बलांगीर बहिहाटा ही बहुत बढ़िया आकार कर बहुत प्रकार बही सबू वयस वर्ग मान लगे आसी छोट छोट छुआ मान लगे छोट छोट बही गुड़ा युवक मान लगे अलग लेवेल रही गुड़ा आ बहुत भेर बही आसी जिन बुक मैंने मिली बुक मैं काम होने पढ़ी भी पार प्रोग्राम भी बहुत भल लगुच बलांगीर जिला पृथ्वीराज उच्च विद्यालय निर्मित होगा इंडोर स्टाडियम भित्तिप्रस्तर स्थापन करिछंती केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। 4-5 कोटी टंका मूल्य होगा स्टाडियम आलोकीकरण वर्षा जल सौरशक्ति माध्यम केन्द्रमंत्री प्रकाश करिछंती। अवसर में सांसद कलिकेश सिंह देव विधायक नरसिंह मिश्र पाटनागर विधायक कनक बर्धन सिंह प्रमुख उपस्थित थे। भारत सरकार गैस कंपनी गेल बलांगीर रो पीआर हाई स्कूल रे गोटे अत्याधुनिक इंडोर स्टेडियम रो काम आज आरंभ करला। वर्षे भितरे काम को शेष करा जीवो। बैडमिंटन बास्केटबॉल टेनिस जिम्नास्टिक ये सब खेल गुड़िकर व्यवस्था ये इंडोर स्टेडियम रे करा जायछि। बलांगीर को आगामी दिन में विशेष करके युव शक्ति को एक नुआ दिग देवाई ये इंडोर स्टेडियम पीआर हाई स्कूल रे गढ़ी उठुवा इंडोर स्टेडियम गोटे बड़ माइल खुंट रूपे साबित हब। बलांगीर जिला तुषुरा एनएससी को सांसद गस्त। सांसद कलिकेश नारायण सिंह देव प्रथम तुषुरा तहसिल परिसर थिवा बार एसोसिएशन रो नूतन निर्माण कोठार उद्घाटन करते। यापर तुषुरा एनएससी परिसर में कर्मी सम्मेलन में जोगदे लोकों असुविधा बुझिते। उक्त सभा को अरुण प्रधान परिचालन करथिवा बेले नगर सभापति अजय जयसवाल धन्यवाद अर्पण करते। सेपरी बलांगीर जिलार तालपाड़ इस्पड़ास्थित न्यू बिंग पब्लिक स्कूल सप्तम वार्षिक उत्सव पालित हो जाए। स्कूल अध्यक्ष हेमंत कुमार प्राणीगा सभापतित्व में आयोजित सभा में उपजिलापाल भैरव सिंह पटेल मुख्य अतिथि भाव जोगदेव मुख्य वक्ता भाव में रोहतस्थित एसपी कॉलेज अध्यापक संतोष रथ मुख्य वक्ता भाव जोगदे। कार्यक्रम में स्कूल समस्त छात्र छात्री अभिभावक मैंने उपस्थित थे। बलांगीर रेल स्टेशन को नहीं बिवाद थमार ना ने बलांगीर ठार बिछुपाल स्टेशन अभिमुखे आरंभ हो ट्रेन को स्टेशन परिसर में बाईसापाल ग्रामवासी मैंने प्रधानमंत्री गस्तर अटकई ट्रेन को आउ कौन हाल्ले बलांगीर छड़ा ना बोली सेलधारण में बसी जाते। पुईंला तहसिलदार घटनास्थल में पहुंची लोक बुझासुझा करने से हटिले। गत किसी सप्ताह है स्टेशन नामकरण को नहीं बाईसापाड़ी और बिछुपाड़ी ग्रामवासी मध्य तिक्तता लगी रही। एने बाईसापाड़ी ग्रामवासी गत 2 दिन तेज आंदोलन करेंगे पुलिस को।
21 तम राज्य पुलिस क्रीड़ा प्रतियोगिता कटक रिजर्व पड़िया उद्घाटित होती है। आरक्षी महानिर्देशक डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद शर्मा मुख्य अतिथि भाव जोग देते आज उद्घाटन उत्सव में आयोजन कमिटी संपादक तथा आईजी श्री सौमेन्द्र प्रियदर्शी परिचालक श्री अखिलेश सिंह समेत क्रीड़ा अधिकारी श्री विभूति भूषण पिडा कार्यक्रम परिचालन करते। विद्यानगरी भाव परिचित ढेंकानाल जिला कामाख्या नगर उपखंड भुवन ब्लक अंतर्गत मठकरगड़ा ग्रामर मौला भणजाठे प्रतिवर्ष पर वर्ष मकर संक्रांति बहुत धूमधाम पालित होती। यह दिन मठकरगड़ा ग्रामर 3 किलोमीटर दूर अवस्थित मौल भणजा पहाड़ को जाई मामू भणजा मूर्ति को पूजा करार परंपरा कहीं क्यों काल चली आखपा अंचल हजार हजार श्रद्धा निज मनस्कामना पूर्ण करने को पूजा करने को आसी बेले पंचायतर प्रत्येक घर आवाड़ वृद्ध बनीता एक दिन सेठाक जा पूजार्चना करने प्रकृतिर सौंदर्य को उपभोग करते ग्रामर सभापति को यह संपर्क में किसी जानवाक चाहिए से कहते कहीं क्यों कालर मकर संक्रांति सेठे पालन होता है। तेज किंबदंती अनुसार मामू और भणजा गोटे दिन में बहुत कर फेरुवा समय से पहाड़ में उभय परस्पर सह भेट हो सांगे समस्त साथी पालंकी ने लोक समेत हाथी घोड़ा बाद्य बादक मैंने पथर पलटि जाते जार प्रतिकृति एठार देखा मिले। गंजाम जिला बड़गढ़ थाना कोड़कोट पंचायत विभिन्न स्थान में बड़गढ़ पुलिस अबकारी विभाग मिलित उद्यम बेआईन भाव चली गंजी चाष को काटिपोड़ नष्ट नष्ट गंजेर आनुमानिक मूल्य 45 लाख टंका हो बड़गढ़ पुलिस अधिकारी जीवानंद जेना सूचना देखते प्रथम थर गंजाम जिले में गंजी चाष नष्ट देखा मिली तेज विशेष सूत्र खबर पाई पुलिस आज चढ़ाव कर बंदर नगरी विभिन्न स्थान में काऊ मरी पड़ा देखा मिलू। गत वर्ष पारादीप्र बड़ पड़िया और षंडकुद अंचल में शह शह काऊ मरबार यह नमूना संग्रह ब्लड फ्लू होता चिन्ह प्रशासन पक्ष कटक जारी किंतु पुणी चलित वर्ष काऊ मड़क देखा स्थानीय अंचल भयर वातावरण सृष्टि। गत 14 तारीख स्थानीय लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम ठीक उद्घाटित होता 23तम कलाहांडी उत्सव घुमरा 2019 द्वितीय रजनी में आज मुख्य प्रशासक सुदर्शन पाल ठाकुर मुख्य अतिथि भाव जोग देते जिलापाल डॉक्टर गाभाली पराग हर्षद आरक्षी अधीक्षक बी गंगाधर और अशोक कुमार सम्मानित अतिथि भाव जोग देते सत्यनारायण मुंडचिना मंच परिचालना करते अवसर में विभिन्न क्षेत्र में कृतित्व अर्जन कर प्रतिभा पुरस्कृत करींची नारायण मुंड और नमिता मिश्र संयोजन रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम अनुषित होता। बालीगुड़ा ब्लॉक अंतर्गत लंडागाँठे एक शाड़ पियाशाल साइज बोझे पिकअप भ्यान गाड़ी जनक घर भितर को पशिजार घर की संपूर्ण भांगी जाता जमापड़ी खबर नेबार जमापड़ी गत काली रात 2:30 समय चोरा साइज पियाशाल शाड़ बोझे पिकअप भ्यान सुड्रापट गुड़ द्रुतगति आसुवा समय खबर पाई वन विभाग रात कालीन स्क्वाड पार्टी गाड़ी पिछा करते पोखरबंद गेट्रे गाड़ी अटकवाक फरेस्ट गार्डर मैंने पिछा कर विफल होते कारण काठ माफिया मैंने मनोरंजन परीक्षा को गाड़ी में धक्का दे चेक्स्ट भांगी से पलैवाक सक्षम होते। यह घटन काठ माफिया मैंने गाड़ी को धरी लंडागाँ पार होता बेले चालक भारसम हर गाड़ी को जनक घर भितर पुरे जहाँफल लंडागाँ बनमाली दंडियां लैट्रीन बैकुंठ दंडल गुहाल घर और गाई गोड़ भांगी सहित ग्रामर गणेश मंडप भांगी चुरमार होता जमापड़ी गाड़ी में प्राय 2 लाख ऊर्ध टकर का जमापड़ा घटनास्थल जनक वन विभाग गिरफ्त करता बेले अन्य काठ माफिया मैंने फेरार रही। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ରାତିରେ ଗୋଟେ ଖବର ପାଇଲୁ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ସୁଗ୍ରାଡ଼ରୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ କାଠ ଲୋଡ଼ ହେଇକି ଯାଉଛି ସେ ଲଣ୍ଡାଗାଁ ଯିବ ବାହାରକୁ। ମୁଁ ମୋ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆଲର୍ଟ କଲି ସେମାନେ ରାତି ନାଇଟ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂରେ ସବୁ ବାହାରିଲେ ଆଉ ସୁଗ୍ରାଠାରୁ ଫଲାପ୍ କରିକି ଗଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ସୁଗ୍ରା ରହିଲାନି। ମୋ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେମାନେ ଫଲୋ କରିକି ଯାଇ ରାସ୍ତାରେ ଲଣ୍ଡାଗାଁ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲେ ସେ ଲଣ୍ଡାଗାଁ କ୍ୱାର୍ଟର ଆଗରେ ଫରେଷ୍ଟ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ସେମାନେ ସେ ଗାଡ଼ି ଗଟେଇବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଆଲର୍ଟ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ସମୟ ଏବେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର।